मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा आयुष व संस्कृति मंत्री तथा धार जिले की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला योजना समिति की बैठक जिले के अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों के साथ की। साधु ने कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए हमें जनता की सेवा करना है। हम सब मिलकर कार्य करें ताकि गरीब से गरीब लोगों को सरकार की हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने बैठक में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं की भी सघन समीक्षा की तथा स्वीकृत कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के अधिकारी को निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। इस बैठक में जिले के विधायक, जनप्रतिनिधियों व नर्मदा विकास तथा पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भी मौजूद रहे। मैंने पहले वहाँ पर ये बोला कि सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार है। समाज के हर वर्ग को इस सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, यह हम लोग की प्राथमिकता है और उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं और जिला योजना समिति में भी इसी अनुरूप निर्णय होंगे। आज क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या समस्याएं आई हैं? आज दो तीन सब्जेक्ट थे, कृषि को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके कुछ इश्यूज थे और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कुछ इश्यूज थे, कुछ इश्यू थे। मैडम, डॉक्टरों की कमी को लेकर काफी सवाल उठाए, बिल्कुल सही को लेकर क्या योजना रहेगी? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है इस प्रदेश के अंदर और 15 सालों से बहुत झगड़ा बिगड़ गया है, झगड़े को सुधारना है और हम सब मिलकर। मैडम, कर्ज माफी को लेकर कुछ अड़चने अभी भी आ रही, जैसे जिला योजना मंडल की बैठक में भी विधायकों ने की है, क्या करेंगे उसके लिए? कोई अड़चने नहीं आ रही, फॉर्म बकायदा भराए जा रहे हैं और उनकी समीक्षा की, कितने फॉर्म आए ब्लॉक वाइज और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई इशू नहीं है।